गोहद थाना प्रभारी द्वारा की जा रही झूठी रिपोर्ट के विरोध में स्थानीय विधायक मेवाराम जाटव ने प्रेस वार्ता बंगले पर ली, जिसमें प्रेस वार्ता के दौरान विधायक मेवाराम जाटव ने कहा कि थाना प्रभारी द्वारा गलत तरीके से लोगों पर FIR की जा रही है। कुछ दिन पहले खरहुआ सरपंच धीर सिंह जाटव पर गिट्टी के डंपरों का वीडियो बनाने के कारण झूठी लूट की FIR दर्ज कर दी। वहीं एक अन्य व्यक्ति निमंत्रण में जा रहा था, उस पर भी FIR दर्ज कर दी। इस तरह से जो भी आवाज उठाने की कोशिश करता है उसको थाना प्रभारी द्वारा जबरदस्ती दवा बनाया जाता है। वहीं मिहिर भोज का बोर्ड खरुआ कछवा मार्ग पर लगा हुआ था, उसको भी थाना प्रभारी और तहसीलदार द्वारा हटाया गया। इसके लिए मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, DGP, IG, DIG, SP सहित सभी जगह शिकायतें की गई हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। कल SP को भी ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराते हुए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया जाएगा। ये जवाबदारी पुलिस की बनती है, जब कोई कार्यकर्ता पुलिस को इस बात की शिकायत करती है तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। अभी माँ जो खरुआ पंचायत के सरपंच हैं वीरू, उन्होंने जब ट्रक चल रहे थे यहाँ से रेत के, उसके गिट्टी और रेत लोगों द्वारा वसूली की जा रही थी, तो उसने वीडियो बनाना चाहा, तो झूठा मुकदमा उस पर काम कर दिया। सरपंच है, जनप्रतिनिधि है खरुआ पंचायत का, दूसरा एक बड़ेरा का है भूरे जाटव। अभी 1 महीने पहले वो अपनी रिश्तेदारी में नोता खाने के लिए गया था, उसी समय कोई गांव में झगड़ा हो गया था, उसको झूठा उसमें केस में फंसा दिया बहुत थाना प्रभारी द्वारा। उसको लेकर के यहाँ ऐसे ताना सा थाना प्रभारी को और जो SI है मैन धाकड़, उनको नहीं रहना चाहिए। इन सारी समस्याओं को लेकर हम कल हिंड SP साहब से मेरी बात हो गई है, इससे पहले भी मैंने IG DIG को भी बता दिया है। कल हम ज्ञापन के रूप में हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ, मैंने आज टाइम ले लिया है, हम कल ले ऐसे उनको हम 7 दिन की चेतावनी देंगे, क्योंकि हमने कई बार कह चुके हैं कि हम आंदोलन करेंगे। यदि 7 दिन में यहाँ से थाना प्रभारी नहीं हटे तो हम 7 दिन के बाद हम यहाँ जनता को लेकर एक विशाल आंदोलन करेंगे। यदि 7 दिन में थाना प्रभारी को नहीं हटाया गया तो फिर जनता के साथ उग्र आंदोलन किया जाएगा। थाना प्रभारी द्वारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती झूठी रिपोर्ट की जा रही है और फंसाया जा रहा है। यदि थाना प्रभारी को भाजपा का काम ही करना है तो संवैधानिक पद से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो जाना चाहिए। संवैधानिक पद पर रहकर इस तरह कार्य करना उचित नहीं है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए गोहद से देवेंद्र जैन की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।